कहाँ गया वो पेट्रोल डीजल, महंगाई, कमाई, सिंचाई, पढ़ाई, इन सब के मुद्दे कहाँ गए? वो मथुरा काशी के नाम पर आप क्यों दंगाई बना रहे हैं अपने बच्चों को? अरे ऐसे लोगों को घर में घुसने मत दीजिए, मोहल्ले में घुसने मत दीजिए। किसानों ने सिखाया है आंदोलन कैसे किया जाता है। बदनाम हुए, 750 किसान शहीद हुए, झुके नहीं, 56 इंच वाले को झुका के रख दिया, कह रहा है कि तपस्या में कमी रह गई। जिस दिन इस देश के 85% हिंदू जो कहा जा रहा है वो दलित पिछड़े आदिवासी मूल निवासी, और वो लोग जिस दिन अपने बच्चों के शिक्षा, रोजगार, अपनी महंगाई, अपनी कमाई, अपनी दवाई, अपनी सिंचाई, अपनी पढ़ाई, इसके लिए लड़ने लगेंगे, ये अयोध्या मथुरा काशी की बाजार और दुकान बंद हो जाएगी और ये देश बाबा साहब के संविधान वाला भारत बनेगा, न कि गोडसे गोलवलकर और हेडगवार वाला, ना वीर सावरकर वाला और नाथूराम वाला, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बने। और वैसे भी ये हिंदू राष्ट्रवाद कोई बनने वाला नहीं है, ये आपके बच्चों का पीढ़ी बर्बाद कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये रहेगा वही, लेकिन जब तक आप समझेंगे तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए और आपके पास कुछ बचाने को नहीं। अंतिम सवाल, आपको आने वाले दिनों में प्रदेश में चुनाव है और शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी से मुद्दे नदारद है, क्योंकि बात अगर सत्ता की जाए तो वो भी जाति सम्मेलन की, विपक्ष भी जाति सम्मेलन कर रहा है। देखिए, जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसके आधार पर हर जाति अब अपने नेता, अपना प्रतिनिधि देखती है, इसमें बुराई नहीं। अगर जाति सच्चाई नहीं होती तो 2014 में गुजरात का मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहा था तो बिना पूछे क्यों बताया कि मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ? राष्ट्रपति तुमने बनाया एक, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों ये बात कह रहा है कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया? क्योंकि उन्हें भी पता है कि जाति के नाम पर लोग गोलबंद है, जाति के नाम पर विमर्श है, क्योंकि जाति के नाम पर शोषण है। जब जाति के नाम पर शोषण बंद हो जाएगा उस दिन जातिवाद खत्म हो जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते थे, फूले पेरियार तो जाति के विनाश की बात करते थे, ये लोग जाति को बढ़ा रहे हैं। तो ये एक फेज है, देखिए इस फेज में हर जाति अब गोलबंद हो रही है, जो बहुत खूबसूरत बात है। हर जाति जागरूक हो रही है, अच्छी बात, अपना नेता देख रही है, वो बार्गेनिंग कर रही है कि तुम हमको वोट दो। अब थोड़ा सामाजिक न्याय की जो पार्टियाँ उनको मजबूत होना चाहिए कि आपके जो खेमे के लोग हैं, आपके जो स्वाभाविक एलाई हैं, वो बीजेपी की तरफ ना जाए। आप सबको एकजुट करिए, दलित पिछड़े आदिवासियों को एकजुट करिए और उन लोगों को सत्ता से बेदखल कर दीजिए। 85% आप हैं, लेकिन आपने क्या किया, गलतियां की, आप अपने लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब नहीं हुए तो आपके नीचे से बीजेपी खिसका ले गई। तो ये इसलिए चुनाव जो हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में जाति के नाम पर लोग सजग हैं इसलिए जाति देखती है। बाकी देश में भी जातिवाद होता है। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश में जातिवाद नहीं है क्या? वहाँ तो दो ही पार्टियाँ हैं, बीजेपी कांग्रेस, वही सब लड़ते रहते हैं, लेकिन भयानक जातिवाद वहाँ भी है। इसलिए जातिवाद बुरी चीज़ है, जाति बुरी नहीं है। आपने तो अपमानित किया इस देश में, गाली बनाई, अहिर गडरिया कुर्मी चोर और धर सारे का तंगरी तोर, बड़ जात बतियौला से छोट जात लतियौला से, ही सब भोजपुरी हमारे कहावत चलती है। तो तुमने जातियाँ बनाई हैं और तुमने जाति के नाम पर सबका लाभ लिया, अब तो जाति के नाम पर लोग एकजुट हों, दलित पिछड़े आदिवासी बोलना सीख लिए। अब तुम्हारे चुनाव में भी तुमसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ मौर्य जी का जिसको स्टूल तुमने दिया था। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव सिंह, वो पटेल जाति के हैं और 10 साल के ब्राह्मण का पैर धुल रहे थे। यही है आत्मसम्मान, यही है वजूद, यही संविधान ने आपको दिया था। आपके बच्चे आँख में आँख डाल करके हक हुकूक की बात पूछने के लिए पैदा हुए हैं कि शिक्षा कहाँ है मेरी? अंबानी अडानी के हाथों नई शिक्षा नीति के हाथों क्यों बेच रहे हो मेरी शिक्षा को? प्राइवेट कर दोगे, देश के सब इंस्टीट्यूशन बेच दिया तो रिजर्वेशन खत्म, संविधान की मौलिक भावना खत्म। भीमा कोरेगांव के नाम पर तुमने जेल में बंद किया प्रोफेसर और विद्यार्थियों को, वो केवल हिंदू मुस्लिम कराते हो। अरे ऐसे नफरती लोगों को सत्ता ही नहीं देश से बेदखल करने के लिए लोगों को जागरूक होना चाहिए, तभी ये देश बचेगा, नहीं तो कुछ नहीं। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव दिल्ली घूमते हैं, यूपी नंबर 1, अरबों का विज्ञापन है, नजर पड़ी। बिल्कुल ठीक कह रहा है आपका, आपकी दिल्ली की जनता 2022 के चुनाव में जो बस कोरोना में नहीं चली थी ना, वापस जो घर लौट रहे थे लॉकडाउन में, लोगों को घर पहुंचाने की बस नहीं चली। अब की दिल्ली में बड़ी बड़ी बसें चलेंगी, यहां से लोग जाएंगे और बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि पूरा प्रचार तो दिल्ली में हुआ है, यूपी नंबर 1 है। हो सकता है दिल्ली वाले लोग जाके कहें कि अब हमें जो निवास प्रमाण पत्र है वो यूपी का बनवा दें, ये काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने लाखों करोड़ों रुपए जो इस देश की जनता की कमाई थी, उत्तर प्रदेश का एक भी अखबार उठा के देखिए, पूरे पूरे पन्ने का प्रचार कर रहे हो। अरे नालायकों, अगर काम किए होते ना तो प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब मोदी से सीखा हुआ, ये छोटा मोदी है ये वहीं से सीखा है, इसको 24वें प्रधानमंत्री बनना है, क्योंकि इसने नफरती बयान दे करके पूरे देश में जो हिंदूवादी लोग हैं, जो भारत के संविधान को नहीं समझते, वो लोग यही तो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, इसलिए प्रचार किया जाता है। अगर आप काम किए रहते तो प्रचार नहीं करते, अगर आप काम किए रहते तो झूठ नहीं बोलना पड़ता। आप अपने काम की नाते, अगर आप काम किए रहते तो आपको अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की याद नहीं आती। आप फेल हैं,
बस उत्तर प्रदेश की जनता कहीं फेल ना हो जाए इम्तिहानों से। कि देखिए इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर नफरत, मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत तब तब फैलाई जाएगी जब जब आप शिक्षा का सवाल पूछेंगे, जब आप रोजगार का सवाल पूछेंगे, जब आप पूछेंगे कि किसानों का आय दोगुना कहाँ हुई, जब आप सवाल पूछेंगे कि पेट्रोल 100 रुपया लीटर क्यों हो गया, LPG गैस 1000 रुपये लीटर क्यों हो गई, 5 किलो तुमने यूरिया घटा दी और उसका जो है दाम उतना ही रखा, खेत में जुताई बढ़ गई, सिंचाई बढ़ गई, पढ़ाई बिक गई और उसके बाद कमाई ख़त्म हो गई और अचानक वो लोग कहते हैं कि अभी अयोध्या झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। इस देश के नौजवानों को और घर में TV देख रहे, WhatsApp पर हिंदू मुस्लिम के जहर देख रहे लोगों को एक बार ठहर के सोचना है। आप अपने बच्चों को दंगाई बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं तो आप स्कूल विश्वविद्यालय भेजना बंद कर दीजिए उनको, उन सबको BJP का एजेंट बनाइए, उनकी पार्टी ज्वाइन कराइए। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, हिंदू रक्षा दल और तमाम तरह के दल जो बने हैं ना, वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर पैसा खर्च मत करिए, आप भूखे रह लीजिए, आप पेट्रोल मत भराइए, आप जो है सिलेंडर मत भराइए, आप जाइए उनको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आगे। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों करते हैं? मैं हिंदू राष्ट्र का विरोध इसलिए करता हूँ क्योंकि हिंदू राष्ट्र एक फेक नरेशन है, वो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, वंचित, शोषित, कमीरा, श्रमजीवी विरोधी है। हिंदू कौन है मैं सवाल ये पूछता हूँ। अगर हिंदू OBC थे तो 2019 तक 0 प्रोफेसर देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय में OBC के क्यों थे? अगर दलित OBC थे तो बताओ सुप्रीम कोर्ट के कितने जज दलित बने हैं? अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी हिंदू हैं तो इनके प्रोफेसर 85% कहाँ हैं, इनके वकील 85% कहाँ हैं, इनके डॉक्टर इंजीनियर 85% कहाँ हैं? फर्स्ट बात का हिंदू राष्ट्र है, 85% इस देश की जमीन पर दलित, पिछड़े, आदिवासी का मालिकाना हक है क्या? तो अगर सब हिंदू थे तो इनका हक कौन मारा? 15% ब्राह्मण सवर्ण लोग, और वो 15% लोग अचानक से जब जल जंगल जमीन की बात होती है, शिक्षा रोजगार की बात होती है, नौकरी चाकरी की बात होती है, खेती किसानी की बात होती है तो उनको हिंदू याद आता है। जब मुसलमान से दंगा कराना हुआ तो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? अरे ये संविधान का राष्ट्र है, बाबा साहब अम्बेडकर ने, फूले पेरियार ने इसको एक मुकम्मल राष्ट्र बनाने के लिए एक संविधान दिया, उसमें सब बराबर के नागरिक हैं, कौन हिंदू कौन मुसलमान। तुम जाति जनगणना कराओ और जो जातियां पिछड़ गए हो उनको बराबरी का हक दिलाओ। तुम हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना चाहते हो? हिंदू होने का मतलब वर्ण व्यवस्था, हिंदू होने का मतलब जाति व्यवस्था। अभी एक गया है ना इस्लाम से कन्वर्ट होकर के हिंदू में, तो कौन सी जाति में रखे, ब्राह्मण बनाओगे? ये लोग फेक नरेशन चलाते हैं ताकि ये देश बर्बाद हो जाए और ये देश अंबानी अडानी के हाथों बेच दिया जाए, आप उस पर बोल ना पाए। अब हिंदू मुस्लिम करते रह जाए, कब्रिस्तान पाकिस्तान, अब्बा जान और ये सब करते रह जाए और ये पूरा देश अंबानी अडानी का हाथों बेच करके एक दिन अचानक आपको लगेगा कि आपके शिक्षा, रोजगार सब कुछ बिक गया है, प्राइवेट हाथों के गुलाम आप हैं, दिन भर मजदूरी करेंगे, शाम को ये मिलेगा आपकी जेब में पैसा तो शिक्षा मिलेगी। ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में हाथरस होगा, हिंदू राष्ट्र में उन्नाव होगा, हिंदू राष्ट्र में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, हिंदू राष्ट्र में दलित, पिछड़े, आदिवासियों को हर तरफ से मारा जाएगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा और अचानक दंगाई बना दिया जाएगा कि मथुरा काशी बाकी है अभी, चलो वहां जाने। अरे ये मोदी और अमित शाह का बेटा जो जय शाह है उसको लेके जाओ मथुरा काशी में आंदोलन कराओ। मौर्य जी को क्यों आगे बढ़ाया? मौर्य जी को इसलिए आगे बढ़ाया है कि प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया जाए और उसके बाद उनका दलित, पिछड़ों का वोट लेकर के उनको स्टूल दे दिया जाए। पूरे 5 साल में मौर्य जी एक काम अच्छा कर नहीं पाए। अरे उनको मुख्यमंत्री अपना निजी सचिव तो रखने नहीं दिया, अब अचानक से मौर्य जी कह रहे हैं कि जब 22 का चुनाव हो जाएगा तब विधायक दल के नेता चुनेंगे हम बाद में। अरे वो कह नहीं पा रहे कि योगी आदित्यनाथ के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। ये दलित, पिछड़े, आदिवासियों को मूर्ख बनाने के कंधे का इस्तेमाल किया जाता है दलित, पिछड़े, आदिवासियों का, दो जगह दंगा कराना हो तब और या तो आपस में लड़वाना हो, इसलिए ये सब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता से, देश भर की आवाम से मेरा एक सवाल है, कहाँ गया 70 लाख नौकरी जो योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में देने का कहा?